हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। अगर हम पी ब्लॉक में ग्रुप 17 की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है। तो कुछ इस तरीके से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन यानी एटी, FClBri और एटी। दीज आर कलेक्टिवली नाउन एज द हेलोजन्स। जो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनको हम हेलोजन्स कहते हैं और इनको जनरली एक्स से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है हेलोजन्स। ग्रीक हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जीन्स मीन्स बॉन्ड दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो ये जो हेलोजन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है, इसमें जो हेलो टर्म है इसका मतलब होता है सॉल्ट और जीन्स का मतलब होता है बॉन्ड यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। जो ये हेलोजन्स होते हैं ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। द हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। जो ये हेलोजन्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे और हाईली रिएक्टिव होंगे। लाइक ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 शो ग्रेट सिमिलरिटी अमंगस्ट देमसेल्फ। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में यानी अर्थ मेटल में और एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या था वो आपस में सिमिलरिटी शो करते थे, इसी तरीके से जो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं यानी जो हेलोजन्स हैं ये भी आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। FClBri और एस्टेटाइन आपस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शो करेंगे। That much similarity is not found in the element of other group of the periodic table. और जितनी similarity group first, group second और group 17 के elements के बीच में पाई जाती है ये आपस में यानी fluorine, chlorine, bromine, iodine और astatine आपस में जितनी similarity show करते हैं इतनी similarity periodic table के किसी भी और group में show नहीं होती। periodic table के जितने भी group हैं ग्रुप 17, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो आपस में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी शो नहीं करते जितने इन तीन ग्रुप के एलिमेंट आपस में शो करते हैं। आल्सो देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस होता है, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। एस्टेटाइन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसमें आपको याद रखना है इसमें जो एस्टेटाइन है एटी वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इनकी अक्रेंस के यानी ये किस रूप में पाए जाते हैं और कहां पर कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट व्हाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन लेस सो। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में से जो फ्लोरीन और क्लोरीन हैं वो तो काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना में इनके कंपैरिजन में कम प्रेजेंट होते हैं, कम पाए जाते हैं। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसोल्यूबल फ्लोराइड जैसे कि फ्लोरिस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड फ्लोरोएपेटाइट 3Ca3PO4 डॉट CaF2। इसमें से जो फ्लोरीन है वो मेनली इनसोल्यूबल फ्लोराइड के रूप में प्रेजेंट होता है। जनरली फ्लोरीन या तो फ्लोर स्पार के रूप में प्रेजेंट होगा जिसका फॉर्मूला है CF2, इसका नाम आपको याद रखना है, CaF2 को कहते हैं फ्लोर स्पार। और क्रायोलाइट Na3AlF6 फ्लोरीन इसकी रूप में प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ जो फ्लोरीन है वो फ्लोर एपेटाइट के रूप में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसका फॉर्मूला है 3Ca3PO4 डॉट CaF2, इसको कहते हैं फ्लोरो एपेटाइट। एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सोइल, रिवर वाटर प्लांट एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। साथ ही साथ जो फ्लोरीन की स्मॉल क्वांटिटीज हैं वो सोइल में प्रेजेंट होती है, मिट्टी में, रिवर वाटर के जो प्लांट होते हैं, नदी में जो वाटर प्लांट होते हैं उनमें प्रेजेंट होगी, साथ ही साथ बोन्स में भी प्रेजेंट होती है स्मॉल क्वांटिटीज में फ्लोरीन, और एनिमल्स के टीथ में भी पाई जाती है। वाटर कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो समुद्र का पानी होता है उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड पाए जाते हैं। बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन 2.5% बाय मास। लेकिन जो समुद्र का पानी होता है सी वाटर वो मेनली उसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। मेनली क्या पाया जाएगा सबसे ज्यादा सी वाटर में, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl 2.5% बाय मास, ये आपको याद रखना है, इतनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होगा। द डिपोजिट्स ऑफ ड्राइड अप सीज
कंटेन दीज कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O। समुद्र के जो डिपॉजिट्स होते हैं यानी समुद्र में जो चीजें प्रेजेंट होंगी, तो समुद्र का जो मटेरियल है अगर उसको निकाल कर सुखा लिया जाए तो उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होगा, उसमें सोडियम क्लोराइड और कार्नालाइट के ये जो कंपाउंड्स हैं ये प्रेजेंट हो गए। कार्नालाइट कहते हैं KCl.MgCl2.6H2O, क्योंकि आपको पता है समुद्र में ज्यादातर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है इतनी ज्यादा मात्रा में, तो सोडियम क्लोराइड तो यानी नमक तो उससे निकलेगा ही, और कार्नालाइट यानी ये वाला कंपाउंड भी उसमें होगा। सर्टेन फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम, वेरियस सीवीड फॉर एग्जाम्पल कंटेन अप टू 0.05% ऑफ आयोडाइन एंड चाइल्ड सोल्ट पेट्रे कंटेन अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। कुछ फॉर्म होती हैं जो समुद्र की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, समुद्र के कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सिस्टम में आयोडीन भी प्रेजेंट होता है, जिनमें आयोडीन भी पाया जाता है, जैसे कि वेरियस सी वीड, समुद्र की जो वीड हैं उनमें लगभग 0.5% आयोडीन प्रेजेंट होता है, सी वीड में 0.5% आयोडीन प्रेजेंट होगा। और चाइल्ड सोल्ट पेट्रे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को, इसमें 0.2% सोडियम आयोडेट प्रेजेंट होता है। द इम्पोर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन इन टेबल 7.8। टेबल 7.8 में ग्रुप 17 की इम्पोर्टेंट एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई है, और साथ ही साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स। पहले एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटाइन का 85। यहां पर AT के ऊपर A लगा रखा है, इसका मतलब है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटॉमिक मास इनका इतना है 19, 35.45, ये एटॉमिक मास इनका दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, आपको पता है जो P ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP2 1-7, यहां होता है 1-6। जो पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP 1-6। और आपको पता है ये आते हैं ग्रुप 17 में, तो हमें क्या करना है, 17 का 7 लेना है और उनको इसमें भर देना है। यानी 17 के 7 का मतलब क्या है, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। 17 हमारा ग्रुप है, उसमें से 7 लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। अब इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भर देना है NS2 NP, 7 में से 2 भर दिए हमने, बचे कितने 5, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP5। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अब देखें यहाँ पर फ्लोरीन आता है पीरियड नंबर 2 में, और पीरियड को हम भरते हैं N की जगह पर, तो फ्लोरीन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5। क्लोरीन आता है तीसरे पीरियड में, क्लोरीन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। इस तरीके से इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखते हैं। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमने जो मैंने लिखी ये होती है वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी वैलेंस शेल की यानी आखिरी वाली शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम 2s2 2p5, ये फ्लोरीन की, क्लोरीन की 3s2 3p5, जनरल NS2 NP5, यहां पर ये लगा दिया इनका पीरियड नंबर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है। ब्रोमीन की होगी 3d10 4s2 4p5, आयोडीन की 4d10 5s2 5p5, इस तरीके से। अब बात करते हैं इनकी कोवेलेंट रेडियस की, कोवेलेंट और आयनिक रेडियस। तो आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर हम जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ती चली जाती हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी यानी एटम का जब साइज बढ़ता है तो उसका कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस भी बढ़ता चला जाता है। कोवेलेंट रेडियस कहते हैं ये एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले समझिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस होती है एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको कहेंगे हम एटॉमिक रेडियस। जैसे फ्लोरीन का होता है 9, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 और 7, तो यहां पर ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन।
तो फ्लोरीन के न्यूक्लियस से इसकी आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहेगा कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस होता है जब भी मान लीजिए F2, यहां पर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये दो कोवेलेंट बॉन्ड है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, ये एक फ्लोरीन का एटम, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ये दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे डी, तो डी का जो हाफ होगा वो कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो वो कहलाएगा आयनिक रेडियस, यानी आयनिक बॉन्ड बन रहा है उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ आयनिक रेडियस। अब आपको पता है डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चली जाती हैं, साइज बढ़ता चला जाता है। फ्लोरीन में दो सेल थी, क्लोरीन की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 17, दो और यहां पर 8 और यहां पर 7। अब देखिए क्लोरीन का ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल, तीन सेल है, यानी साइज और बढ़ गया। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती हैं, यानी साइज बढ़ता चला जाता है, तो जो रेडियस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर देखिए कोवेलेंट रेडियस में फ्लोरीन का इतना, क्लोरीन का बढ़ा, ब्रोमीन का बढ़ा, आयोडीन का बढ़ा, एस्टेटाइन का नहीं दिया गया क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको जनरल ट्रेंड याद रखना है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर कोवेलेंट और आयनिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि जो सेल है नंबर ऑफ सेल्स वो बढ़ती चली जाती हैं एटम में। बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं कोई भी जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है उसकी आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको कहेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको कहेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसको कहेंगे हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी तरीके से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, फिर घट रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर यानी डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जा रही है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की सबसे कम। ऐसा इसलिए होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, जब ग्रुप 16 और 15 हमने पढ़ा था तब भी इसका मैंने रीजन बताया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इसलिए घटती है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता चला जाता है, साइज अगर बढ़ता है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स है न्यूक्लियस की वो घटती चली जाती है। जैसे ये फ्लोरीन है, यहां पर दो ही सेल हैं, यानी दो सेल हैं, यानी जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा इस पर जो न्यूक्लियस की जो फोर्स होगी वो ज्यादा होगी। अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का साइज बढ़ रहा है, इसमें जो सेल है वो तीन हो गई, यानी आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से दूर हो गई। इसका मतलब क्या है, इसमें जो ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो फ्लोरीन की तुलना में यहां पर कम होगी क्योंकि साइज बढ़ गया, सेल इससे दूर हो गई, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, इसको निकालने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर हो गया, इसको निकालने के लिए कम फोर्स लगेगी। ऐसे ऐसे ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के न्यूक्लियस से और दूर हो गया, तो इसको निकालने के लिए और कम फोर्स लगेगी, यानी इसको निकालने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा, कम एनर्जी देने से ही ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो सबसे ज्यादा है क्योंकि ये इसका साइज कम है, साइज कम है तो इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा लग रही है, इसको यहां से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है, इसके कारण उनको निकालने के लिए एनर्जी भी कम लगती है, तो ये एनर्जी घट रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की मात्रा डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। अब है अगला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं
जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए, ऊपर से नीचे की ओर आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये देखिए, फ्लोरीन का साइज सबसे कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। फिर ब्रोमीन का साइज और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और घटेगी। आयोडीन का साइज और इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज होगी। अब इसमें अगला है हाइड्रेशन एंथैल्पी, किलोजूल पर मोल में। हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं जब भी एक मोल गैसेस एटम वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रेटेड आयन बनाएगा, तो हाइड्रेटेड आयन बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो एटम का जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। और आपको पता है जितना स्मॉल एटम का साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि उतने ज्यादा वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। जितना ज्यादा एटम का साइज कम होगा, जितना कम एटम का साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर साइज स्मॉल होता है तो वो वाटर के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है, साइज अगर बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां पर देखिए, फ्लोरीन का साइज सबसे कम, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर के आयन को, वाटर के मॉलिक्यूल को ये अकोमोडेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। फिर आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं जब भी किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, F नेगेटिव आयन बनाया। तो जो ये फ्लोरीन आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होगी, एनर्जी यहां पर यूज होगी या एनर्जी जो रिलीज होगी उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी इस प्रोसेस में जिस एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये किलोजूल पर मोल में होगी। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी यहां पर फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। तो एक्सेप्शन इसमें क्या है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। तो हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हमारे पास आएगा क्लोरीन के सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यानी अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम होती है, या फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, एक्सेप्शन ये इसलिए है क्योंकि क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन की तुलना करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो फ्लोरीन का जो साइज है वो क्लोरीन की मात्रा में बहुत ही कम है। फ्लोरीन का अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 2, 2 और 7, इसमें दो शैल हैं। क्लोरीन की अगर हम बात करें 17, 2, 8 और 7, तो यहां पर देखिए फ्लोरीन का मान लीजिए न्यूक्लियस हुआ, ये पहली शैल, ये दूसरी शैल, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हुआ, ये पहली शैल, ये दूसरी शैल, ये तीसरी शैल। तो आप देखिए इसमें फ्लोरीन के कितने एटम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और आपको पता है जो दूसरी शैल है उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, KL। L में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ गए। अब देखिए 8 में से 7 को तो ऑक्यूपाई कर लिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये
सात इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भर गए। अब इस दूसरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही जगह खाली है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ इलेक्ट्रॉन, के एल एम और एम शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और 18 मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब 18 में से सात इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर फिल हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम फ्लोरीन में क्या करें, फ्लोरीन में हमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, फ्लोरीन में अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे हम इस पोजीशन पे, क्योंकि फ्लोरीन में सिर्फ दूसरी सेल में यही पोजीशन खाली है, अगर हमें फ्लोरीन में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इसको बहुत ही ज्यादा रिपल करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, इस स्मॉल साइज के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही पास पास होते हैं। अगर हमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं स्मॉल साइज के कारण वो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा रिपल करेंगे, यानी आसानी से यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में आप देखिए, ये जो तीसरी शेल है इसमें यहाँ पर 18 में से सात हो गए, यानी 11 जगह खाली है, क्योंकि क्लोरीन का साइज होता है बड़ा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको यहाँ पर ऐड करने में आसानी होगी, क्योंकि क्लोरीन में स्पेस बहुत ज़्यादा बचा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड किया जा सकता है, जबकि फ्लोरीन में जगह नहीं है, इसका साइज होता है स्मॉल, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्शन ज़्यादा लगता है, जबकि क्लोरीन के केस में साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को जो ऐड है इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से ऐड किया जा सकता है ड्यू टू लार्ज साइज। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं लगा पाएंगे, जितना ज्यादा रिपल्शन फ्लोरीन के केस में फेस करता है इलेक्ट्रॉन, इतना ज्यादा क्लोरीन के केस में रिपल्शन फेस नहीं करेगा। इसी के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, माइनस में नेगेटिव में ज्यादा होती है, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में स्मॉल होती है, ये लगभग 333 होती है। तो ये रीजन आपको याद रखना है। जो ये एक्सेप्शन है सिर्फ क्लोरीन के केस में है, बाकी तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है, और क्लोरीन की सबसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है। इसका मतलब होता है जितनी ज्यादा हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उतनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आसानी से गेन करेगा और एनायन बनाएगा, फिर सब उससे कम है फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, ये ऑर्डर पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी दी गई है F2Cl2Br2 और I2 की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम चलते चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता चला जाता है या मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता चला जाता है, साइज बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स बढ़ेगी, वान डर वाल फोर्स बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की ओर आने पर दोनों यहां पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो एटॉमिक मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा I2 का, उसके बाद Br2 का, उसके बाद Cl2, सबसे कम होता है F2 का। बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी भी आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर इंक्रीज होगी, सबसे कम डेंसिटी F2 की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की, ड्यू टू इंक्रीज इन मास। बात करते हैं बॉन्ड डिस्टेंस की, यहां पर X और X में यानी F2 में जो F और F के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटम का साइज बढ़ता है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा, क्लोरीन का साइज और बढ़ेगा, ब्रोमीन का साइज और बढ़ेगा, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड डिस्टेंस है, यहां पर ये बॉन्ड डिस्टेंस है ये भी इंक्रीज होगी, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है इधर,
तो यहाँ पर इनके बीच में F और F के बीच में जो ये बॉन्ड डिस्टेंस है ये स्मॉल होगी। क्लोरीन का साइज और बढ़ा तो ये बॉन्ड डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, ब्रोमीन का साइज और बढ़ेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड डिस्टेंस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसमें भी एक्सेप्शन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं ऊपर से नीचे की ओर आने पर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। अगर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती है तो बॉन्ड वीक होता चला जाता है। जितना ज्यादा स्मॉल बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज्यादा लार्ज बॉन्ड उतना ज्यादा वीक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे की ओर आने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी, F2 से अगर हम Cl2 पर जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटने के बजाय बढ़ेगी, अगर Cl2 से I2 की तरफ जाएंगे तो फिर डिक्रीज होगी। यानी अगर हम F2 को छोड़कर इन तीनों की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इनमें तो वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। लेकिन इन दोनों के केस में, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, F2 से Cl2 की ओर आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ती है। और F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो Br2 से भी कम है। अब F2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो तो सबसे कम, इसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो Cl2 और Br2 से दोनों से कम क्यों है, ये हमें जानना है। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है और ये ऑर्डर यहां पर पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो Cl2 की सबसे ज्यादा, उसके बाद Br2, उसके बाद F2, उसके बाद I2, ये ऑर्डर इसमें होता है। Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा जैसा कि आप देख सकते हैं, उससे कम है Br2 की, उससे कम F2 की और सबसे कम I2 की। अब बात करते हैं इसके रीजन की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो F2 फ्लोरीन होता है, F2 में ये वाला फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, इसके पास भी सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया, बाकी ये आप देख सकते हैं फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर हैं, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, इस फ्लोरीन के पास भी तीन तीन लोन पेयर हैं। अब यही कारण होता है फ्लोरीन के पास होते हैं थ्री थ्री लोन पेयर, इसके कारण क्या होता है, जो ये लोन पेयर हैं इनके बीच में होता है बहुत ज्यादा रिपल्शन। फिर से बता देता हूं, फ्लोरीन के पास होते हैं तीन लोन पेयर, इसके कारण इन लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, और इतना ज्यादा ये रिपल्शन होता है कि जिससे ये बॉन्ड हो जाता है वीक और इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। नॉर्मली अगर एटम का साइज स्मॉल हो तो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, फ्लोरीन के पास होते हैं तीन तीन लोन पेयर, यही लोन पेयर क्या कर देते हैं, आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं और इसी रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड हो जाता है वीक और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है स्मॉल, कम एनर्जी लगती है, इसके कारण फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हुआ, इसके बीच में रिपल्शन हुआ, इनके बीच में रिपल्शन होगा, इसके कारण रिपल्शन के कारण ये जो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है ये बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, जिसके कारण इसको तोड़ना हो जाता है आसान, और जब इसको तोड़ना आसान हो जाएगा तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी स्मॉल हो जाएगी। तो कारण क्या हुआ, फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर होते हैं, इन लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है और ये लोन पेयर भी पास पास होते हैं, ये यहां पर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है तो ये जो फ्लोरीन के एटम है ये पास पास होते हैं, और पास पास होने के कारण ये लोन पेयर हैं ये भी पास पास होते हैं। अब जब ये लोन पेयर पास पास हैं तो लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा,
पास पास होने के कारण ड्यू टू फ्लोरीन के स्मॉल साइज, पास पास होने के कारण ये लोन पेयर आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे और इस बॉन्ड को वीक कर देंगे। वीक कर देंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। बॉन्ड तोड़ना आसान हो गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गई। तो ये रीजन आपको याद रखना है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल, इसके कारण लोन पेयर तीन तीन लोन पेयर आपस में बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं और बहुत ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। बहुत ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तोड़ना इसको आसान हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर इसकी कम। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी कम क्यों होती है, इसका कारण मैं बता चुका, सबसे कम I2 की। अब बात करते हैं आखिर में ई नोट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डाउन द ग्रुप घटता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ये कम और ये सबसे कम। तो ये आपको याद रखना है। अब ये वही यहां पर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 जनरल, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आपको पता है, एटॉमिक जो आयनिक रेडियाई होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। द हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम पीरियड की बात करें यानी अलोंग द पीरियड बात करें, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर आ गया यहां पर फ्लोरीन, ये है सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें तो इनमें से जो हैलोजन होता है उसकी स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होती है। इन तीनों की अगर हम बात करें तो जो फ्लोरीन है उसमें इसकी सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन है यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट है उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। अब आपको पता है अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसका 7, इसका 8, इसका 9। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रोटीन प्रोटोन की क्वांटिटी है, प्रोटोन की मात्रा है, वो भी बढ़ जाएगी। इसमें प्रोटोन 7 थे, इसमें 8 थे, इसमें प्रोटोन और बढ़ गए। अगर प्रोटोन बढ़ गए तो यहां पर आपको देख पता है न्यूक्लियस में अगर प्रोटोन बढ़ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो बाहर के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको और ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो फोर्स से और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली ही डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन पर इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता, तो यानी ऑक्सीजन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, वो फ्लोरीन से कम होता है, क्योंकि इसके पास प्रोटोन कम होते हैं। तो ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, इस वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे फ्लोरीन की तुलना में। फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतनी ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पाएगा, इसके कारण इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो फ्लोरीन से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फ्लोरीन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं अलोंग द पीरियड, तो जो हैलोजन एटम होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन लाइक द अदर एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इसी तरीके से फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। और अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप नंबर 17 में जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस होते हैं वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ते हैं। इसी तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दस दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट की, तो जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, यानी ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसके कारण इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर हमें फ्लोरीन से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसको एनर्जी भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हैलोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हैलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो इनके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, यानी ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन आसानी से करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस ये आसानी से नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन को जब ये आसानी से लॉस नहीं कर पाते तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इनमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ती है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कोरस्पोंडिंग पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करें तो जो हैलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, नेगेटिव में मैक्सिमम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी इसमें, मैक्सिमम नेगेटिव। ऐसा इसलिए है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटम ऑफ दिस एलिमेंट ओनली हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हेलोजन के एटम होते हैं उनमें होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो अगर इनको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये आसानी से नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा हाई होती है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन को अगर ये आसानी से गेन कर लेंगे तो इनकी क्या होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में हाई होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। साथ ही साथ अगर डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो ये हमने देखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती चली जाती है, लेकिन ये एक्सेप्शन हमने पढ़ चुके हैं, जो फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड दस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। ऐसा मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि जो फ्लोरीन का एटम होता है उसका साइज होता है स्मॉल, इसके कारण उसमें क्या होता है, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है यानी दूसरी शेल में 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में ज्यादा रिपल्शन करते हैं, इसलिए जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, तो इसलिए उसकी क्या होती है, क्लोरीन से कम होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा इनकी हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये एग्जांपल कर लेते हैं, हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाई? जो हैलोजन होते हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। वो क्यों होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, हेलोजन हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन द रेस्पेक्टिव पीरियड एंड देयर फोर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलोजन का साइज होता है स्मॉल अलोंग द पीरियड। साइज स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि जो हेलोजन होते हैं उन पर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। हेलोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा हाई, इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा, अगर न्यूक्लियस चार्ज सबसे ज्यादा हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फोर्स लगेगी तो साइज घटता चला जाएगा। तो हेलोजन का साइज स्मॉल होता है ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड, और हाई साइज स्मॉल होगा एज ए कॉन्सिक्वेंस दे रेडिली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसके कारण अगर साइज स्मॉल होता है तो वो आसानी से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं। अब आपको पता है आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेंगे तो मैक्सिमम जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाई होती चली जाती है। जितनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती चली जाएगी।